एमी प्लानेट, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग होने वाला है अबाउट थाईलैंड। मैं 2018 में थाईलैंड गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं थाईलैंड वीज़ा के लिए वो आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ थाईलैंड की मेमोरीज़ भी शेयर करूँगा। मैंने बहुत वहाँ पर फ़न किया, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपके पास चांस है जाने का तो आप ज़रूर जाएं, एंजॉय करें। सो, सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की, जो कि थाईलैंड वीज़ा के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरत है। एज़ यूजुअल आपको पता है, सबसे पहले जो है वो सिक्स मंथ का वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, जिसके अभी एक्सपायर होने में 6 मंथ रहते हों, ठीक है, एटलीस्ट। नंबर 2 पे फिर आपको 4 पिक्चर्स चाहिए होती हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ किसी भी बैकग्राउंड कलर में वो चल जाएंगी। इसके अलावा नंबर 3 पे आपको चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, ठीक है, और उसमें अगर 5-6 लाख रुपए हों या से अबव हों तो वो ज़्यादा बेटर है, आपको चांसेस हैं ज़्यादा वीज़ा मिलने के। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट के बाद आ जाता है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी से आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर मिल जाएगा, वो लेना होता है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ लगाना होता है। इसके बाद अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरे आपको यही मशवरा है कि आप जब भी ट्रैवल करें ट्रैवल इंश्योरेंस लगा लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। जब आपका अलाना करे हुआ हादसा वगैरह पेश आए तो ये वहाँ पर काफ़ी कवर कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है FRC। FRC तब अप्लाई होती है जब आप फैमिली के साथ टूर कर रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली के साथ नहीं है, इंडिविजुअली है, तो फिर FRC ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। FRC के बाद आता है मेरे दोस्तों नेक्स्ट जो है वो NTN। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो NTN मस्ट है, NTN के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर वहाँ से लेटर लेना होगा आपको कंपनी से, ठीक है, कि वो आपको स्पॉन्सर कर रही है और वो आपको जो है लीव दे रही है कि आप जाएं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको NTN चाहिए और बिज़नेस का प्रूफ देना होता है आपको, ठीक है, बिज़नेस का लेटर एड लगता है आपके वीज़ा के साथ। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपको मालूम है होटल बुकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, होटल बुकिंग आपको लाजमी चाहिए होगी। होटल बुकिंग के साथ साथ फिर आपको एयर टिकट भी बुक करवानी है, ठीक है, कन्फर्म एयर टिकट हो। और सबसे बड़ी बात है कि थाईलैंड के अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट है, थाईलैंड का वीज़ा इतना महंगा नहीं है, 6,500 रुपये में, पाकिस्तानी 6,500 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है, बहुत माकूल रकम है, बहुत आसानी से आप ले सकते हैं इन सबको। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास पूरी हैं तो आप किसी भी एजेंट को, ठीक है, किसी भी एजेंट के पास चले जाएं, अच्छे एजेंट के पास चले जाएं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना एजेंट्स के पास ड्रॉप अप बॉक्स होते हैं बेसिस के। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मेरे एक 2 जानने वाले हैं, मैं उनके थ्रू उनको डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ तो मुझे वीज़ा मिल जाते हैं। मैंने इस सीरीज़ में जो थाईलैंड गया था, साथ में मलेशिया भी गया था और साथ में सिंगापुर भी गया था, तो मैं एक एक करके आपको कंट्री के बारे में भी बताऊंगा, वहाँ के आपके साथ मेमोरीज भी शेयर करूंगा और एक एक कंट्री के वीज़ाज़ भी आपको डिस्प्ले करूंगा, साथ साथ आपके साथ आते रहेंगे। अब चले जाते हैं जी। मैंने ट्रैवल किया था इस्लामाबाद से, PIA की फ़्लाइट ली थी इस्लामाबाद से थाईलैंड, और मेरा जो स्टॉप ओवर था वो कराची था, ठीक है, इस्लामाबाद से कराची स्टॉप ओवर के बाद कराची से थाईलैंड, ठीक है, मैं बैंकॉक एयरपोर्ट गया था। बहुत खूबसूरत है, इमिग्रेशन पे गया, कोई इतने ऐसा क्वेश्चन नहीं हुए ना उन्होंने किए, लेकिन आपको इमिग्रेशन के जाने से पहले पहले काउंटर पे जाने से पहले एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। उसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन से होटल में स्टे करेंगे और रिटर्न टिकट कब की है, छोटी मोटी ऐसी होती हैं, आप यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए आए हैं, बस ये 4-6 चीज़ें होती हैं। और मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी ट्रैवल करें किसी भी कंट्री जाएँ तो उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो साथ बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो आप लाजमी नोट कर लें, ताकि अगर इन केस आपको इमिग्रेशन वाला कोई क्वेश्चन करे भी तो आप उसे बहुत आसानी से उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो अभी मेरे साथ रहें, मैं आपको अभी मेमोरीज शेयर करता हूँ आपके साथ अबाउट माय थाईलैंड प्लान, और मैं आपको बताता हूँ मैं वहाँ कहाँ कहाँ गया, और बहुत सस्ता मुल्क है, ठीक है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मिल गए थे मुझे रास्ते में, अदनान, खुश रखे अल्लाह उनको, सवाल से थे, हमने मिल के काफ़ी अच्छा ये थाईलैंड का टूर जो है ना बहुत अच्छा मैंने किया, बहुत इन्जॉय किया। हम गए थे कराची से, सॉरी, इस्लामाबाद वाया कराची, बैंकॉक उतरे, बैंकॉक में हमने 3-4 दिन स्टे किया,
बैंकॉक में बहुत अच्छी जगह है, हर तरह की पार्टी अवेलेबल है आपको, ठीक है। अगर आप नेचुरल सीनरी वगैरह इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएँ फुकेट, ठीक है। फुकेट बहुत खूबसूरत जगह है, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, क्लबिंग, इवनली अल्यूजन वहाँ पे बहुत अच्छा क्लब है। शायद ये आपको पिक्चर साथ अभी शो करूँगा मैं, आ भी रही होगी, देख लीजिएगा। तो ये वर्ल्ड का जो है वो 87 और एशिया का थर्ड जो है ना सबसे अच्छा रैंकिंग वाइज जो है ना क्लब है फुकेट में। और भी बहुत सी इंटरनेशनल जितने भी जो है ना ट्रैवलर्स हैं वो फुकेट में ही आके स्टे करते हैं और इन्जॉय करते हैं। पताया अपने नाम सुना होगा, पार्टी सिटी है वो, बैंकॉक से बिल्कुल साथ ही है, बहुत करीब है, ठीक है। 2-2.5 घंटे लगते हैं टोटली। कुछ लोग होते हैं वो बैंकॉक उतरते हैं और डायरेक्ट पताया चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फुकेट है वो तकरीबन बैंकॉक से तकरीबन फ़्लाइट पे हम गए थे तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, बाय रोड जाएंगे तो 12-13 घंटे 14 घंटे भी आपके लग सकते हैं। सो बेटर ये है कि आप फ़्लाइट पे चले जाएँ, और बहुत चीपेस्ट टिकट्स हैं वहाँ पर लोकल जो है ना, ऐसे लगता है जैसे आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, लाइक कितने सस्ते टिकट्स हैं, ठीक है ना। 3-4 हज़ार रुपये में हमें फुकेट का टिकट मिल गया था बैंकॉक से। तो मैं बैंकॉक से फिर सॉरी फुकेट गया, फुकेट से फिर जो है ना मैं आगे चला गया था सिंगापुर, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने सिंगापुर का टूर। सो आप अभी मेरी वीडियोस एंजॉय करें, पिक्चर्स एंजॉय करें मेरी थाईलैंड टूर की। और वीज़ा के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूँ, बहुत आसान है। 4-6 चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं, 6 मंथ का पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, 4 बैकग्राउंड फोटोग्राफ्स, ठीक है ना, एनी कलर के बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, पासपोर्ट साइज़, काउंट बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 मंथ की होनी चाहिए, एटलीस्ट 4-6 लाख का मैं आपको मशवरा दूंगा, उसमें कम से कम बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको FRC चाहिए, नहीं तो आप इंडिविजुअली है तो FRC की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जो है वो NTN चाहिए, ठीक है, NTN नंबर मस्ट है उनके लिए, NTN और आपका बिजनेस लेटर हेड आपको प्रूफ देना होगा। अगर आप किसी फर्म में जॉब करते हैं तो फिर आपको फर्म का साथ में एक लीव लेटर लगाना होगा, और फर्म जो है ना फिर वो अपना NTN जो डॉक्यूमेंटेशन दे देती है कि जी ये बंदा हम भेज रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है, आप खुद उससे होटल बुकिंग से मतलब कर सकते हैं, booking.com है, Agoda है, डिफरेंटली मैं booking.com को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद जो है ना टिकटिंग की आ जाती है, एयर टिकट भी कन्फर्म हो लेते हैं, ठीक है, कन्फर्म टिकट लेते हैं। तो आप जब भी अप्लाई करने लगें तो थोड़ा सा इतना गैप डिस्टेंस रख लीजिएगा अपनी ट्रैवलिंग में और फीज़ा में, ताकि आपको कुछ दिन डिले भी हो जाए। वैसे तो 10 वर्किंग डेज में आ जाता है थाईलैंड का वीज़ा, लेकिन फिर भी आप जो है ना थोड़ा सा इस तरह देख लीजिएगा, अगर इन केस लेट हो जाए तो आपकी टिकट ज़ाया ना हो। तो कन्फर्म टिकट वो मांगते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट वेबसाइट से भी मिल जाती हैं, आपका अगर कोई एजेंट जानने वाला है तो वो आपको ईज़िली दे सकता है, ठीक है, कन्फर्म टिकट हो जाए। ट्रैवल इंश्योरेंस नीड नहीं है, बट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रखनी चाहिए, ठीक है। ढाई 3,000-2,000 रुपये की मिल जाती है, और ये जो है ना आपको बहुत काम आती है। अल्लाह ना करे जब आप दियार गैर में होते हैं, अल्लाह ना करे कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना बहुत सी चीज़ों को कवर कर लेती है, ठीक है। ये 4-6 चीज़ें हैं, इनको कर लें आपको ईज़िली मिल जाता है वीज़ा। आप डायरेक्ट एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरे शहर में बहुत अच्छे एजेंट हैं, मेरे 2-3 जानने वाले हैं, मैं उनके थ्रू करा लेता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने थ्रू एजेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और फीस बहुत मुनासिब है, 6,500 रुपये, ठीक है, 6,500 रुपये टोटल कास्ट आती है आपकी थाईलैंड वीज़ा के ऊपर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लेकिन मैं आपको वो प्रेफर नहीं करूँगा। कोशिश करें, ट्रैवलिंग करनी है, अच्छे कंट्रीज़ जाना चाहते हो तो पहले ये छोटे छोटे कंट्रीज़ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, दुबई, हर किसी को मिल जाता है, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ करो, फिर देन आप अच्छे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करो तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। सो इन्जॉय करें आप मेरी वीडियोज़ को, जो मैंने थाईलैंड टूर पे थोड़ी बहुत मेमोरीज थी, तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, तो अभी मैंने शुरू किया व्लॉग बनाना। तो तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। No.